Hello students, welcome to all in a video lecture series of structure mechanics subject. In this class, I am going to explain you the chapter number 2 of continuous beam. Okay. तो हमने अपने previous class के अंदर Clapeyron's theorem क्या होता है, उसके formulas क्या होते हैं और उसको हम लोग analyze कैसे करते हैं, Clapeyron's theorem का statement क्या होता है, Clapeyron's theorem हमें किस लिए use करना है. तो हमें पता है कि continuous beam जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग क्लैपेरेंस और थ्री मोमेंट थ्योरम, क्लैपेरेंस थ्री मोमेंट थ्योरम जो है हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, इसका इक्वेशन आप देख सकते हैं कि एम ए इंटू एल वन प्लस टू एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम सॉरी प्लस एम सी इंटू एल टू माइनस ऑफ सिक्स ए वन एक्स वन माइनस ऑफ सिक्स ए टू एक्स टू. यदि आपके पास टू स्पान होगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला है. आइए हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, बेसिक कंसेप्ट और इसके बारे में चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको जो है प्रीवियस क्लास में बता दिया था. आज की क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे आपको जो है चीजें समझ में आ जाएंगी कि कंटिन्यूअस बीम को क्लैपेरेंस थ्योरम से कैसे एनालाइज करना है और उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है हम लोग कैसे बनाएंगे. तो आज की क्लास में मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ, आइए देखते हैं एग्जांपल को समझते हैं. एक कंटिन्यूअस बीम ऑफ स्पान ए बी सी, एक कंटिन्यूअस बीम है बना लेते हैं इसको. कंटिन्यूअस बीम एक ए पॉइंट है, एक स्पान बी और सी. इसमें जो स्पान है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 6 मीटर. ए बी भी जो आपका 6 मीटर का है, बी सी भी जो है हमारा 6 मीटर का है. ए बी स्पान पे यूडीएल लग रहा है 12 किलो न्यूटन ओवर द स्पान ए बी. ए बी स्पान पर कैसा लोड लग रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है 12 किलो न्यूटन पर मीटर, 12 किलोमीटर पर मीटर पर मीटर का यूडीएल लग रहा है ओवर द स्पान ए बी. वाइल द स्पान बी सी कैरी सेंटर पॉइंट लोड ऑफ 36 किलो न्यूटन. तो 36 किलो न्यूटन का यहाँ पे आपका सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है दूसरे स्पान पे बी सी के ऊपर. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है. अब इसके अंदर आपको जो है कैलकुलेट करना है. अब कैसे करेंगे, तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप में हमें जो है ये दोनों स्पान को अलग अलग कंसीडर करना है और उसके बाद हमें जो है उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है. तो आइए स्टेप 1 के अंदर हम लोग जो है दोनों स्पान को, एक स्पान आपका ए बी है और दूसरा स्पान आपका बी सी है, दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. तो स्पान ए बी के लिए आपका जो स्पान ए बी है सपोर्ट जो है वो आपका हिंज सपोर्ट है, सपोर्ट जो है वो आपका हिंज सपोर्ट है. कैसा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट. तो आप क्या कह सकते हैं कि ये आपका सपोर्ट यदि सिंपली सपोर्टेड कहलाएगा और यूडीएल लोड लग रहा है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और यहाँ पे 12 किलो न्यूटन का 12 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल लग रहा है. तो हमें पता है कि यदि यूडीएल लोड हो तो बेंडिंग मोमेंट के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 8 होगा. कैलकुलेट कर लीजिए तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी है इंटू एल का वैल्यू 6 दिया, 6 इंटू 6 और इसको सॉल्व कर लीजिए 8, 2 3 6 2 4 8 2 3 6 2 2 4 और 2 6 12 6 3 18 और 18 3 54 किलो न्यूटन इंटू मीटर. ये बेंडिंग मोमेंट हो गया पॉइंट लोड यूडीएल लोड की वजह से. अब ये स्पान ए बी के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, वैसे ही स्पान बी सी के लिए कैलकुलेट कर लीजिए. बी सी जो है वो सेंट्रल पॉइंट लोड की वजह से, बी सी जो है वो सेंट्रल पॉइंट लोड की वजह से 36 किलो न्यूटन का है. ये भी सिंपली सपोर्टेड हम लोग बना लेंगे सबसे पहले. तो 6 मीटर का स्पान कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका डब्ल्यू एल बाई 4 हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई 4 हो जाएगा. डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 36 किलोमीटर दी है, एल की वैल्यू 6 दिया, डिवाइडेड बाई 4 कैलकुलेट कर दिया, 4 9 36 और 9 6 54 किलो न्यूटन इंटू मीटर. दोनों का जो मोमेंट है वो 54 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है. अब आइए हम लोग एक जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है बना लेते हैं, ये जो पॉइंट यूडीएल लोड की वजह से और पॉइंट लोड की वजह से
जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है उसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ध्यान से। तो हमें पता है ये स्पान आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये सी सपोर्ट है। यूडीएल की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है, पैराबोला बनता है। और पॉइंट लूप की वजह से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर वो आपका ट्रायंगुलर रोड बनता है। दोनों पे आपका 54 किलो न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ पे भी 54 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया है। अब जो है अब देखिए ध्यान से, सपोर्ट ए पे एम ए लगेगा, सपोर्ट बी पर एम बी लगेगा, उसी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट एम बी लगेगा और यहाँ पर सपोर्ट एम सी लगेगा। यहाँ पे रिएक्शन आएगा आर ए, यहाँ पे रिएक्शन आएगा आपका आर बी और यहाँ पे रिएक्शन आएगा आपका आर सी। अब जो है थ्री मोमेंट थ्योरम का यूज करेंगे क्लैपेरेंस मेथड का। हमारे पास एग्जाम जो फॉर्मूला है ऑलरेडी आपको दिया है, दिया गया है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके, जो एंड एंड मोमेंट जो है वो एंड सपोर्ट जो है वो हिंज है। यदि सपोर्ट एंड सपोर्ट हिंज है तो वहां पर कोई भी मोमेंट नहीं आएगा। वैसे ही सेम सपोर्ट सी जो है वो भी हिंज है, इसलिए यहाँ पर मोमेंट जनरेट नहीं होगा। तो मोमेंट जो है वो एम बी पर ही जनरेट होगा। तो मोमेंट ए की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। मोमेंट एट सी भी क्या हो गया, जीरो, ओके। अब मोमेंट एट बी जो है हम लोग क्लैपेरेंस थ्योरम के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो अभी हम इसको इक्वेशन लिखते हैं, एम ए इंटू एल वन प्लस टू एम बी ब्रैकेट में एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी इंटू एल टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिक्स ए वन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई एल वन माइनस ऑफ सिक्स, एक ही बार माइनस लिखेंगे, माइनस ऑफ सिक्स ए वन इंटू एक्स टू सॉरी ए टू इंटू एक्स टू डिवाइडेड बाई एल टू, ओके। चलिए तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जीरो है, ये टर्म्स भी जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2mb ब्रैकेट में l1 प्लस l2 दोनों 6 6 है तो 6 प्लस 6 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू माइनस 6 a1 इनटू x1 डिवाइडेड बाय l1 माइनस 6 a2 x2 डिवाइडेड बाय l2। 12 से कितना हो गया 24mb। अब हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी a1 क्या है, a1 जो है एरिया ऑफ दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, a2 जो है वो एरिया ऑफ सेकंड स्पान बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, a1 इज एरिया ऑफ फर्स्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फर्स्ट स्पान बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, a2 इज एरिया ऑफ द सेकंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a1। a1 इज इक्वल टू, अभी हमें पता है कि ये जो शेप है वो पैराबोला है और पैराबोला का एरिया क्या होता है, 2/3 ऑफ bh, ये होता है एरिया। तो 2 अपॉन 3 इनटू बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू विड्थ 6 है और एच की वैल्यू कितनी है 54। वैल्यू पुट कर लीजिए, कैलकुलेटर पे क्या, 3 2 6 2 2 4 4 4 16 का 1 कैरी 1 और 4 5 20 प्लस 1 216 आ रहा है इसका एरिया, ओके। x1 कितना हो जाएगा, x1 जो है सपोर्ट a से इसकी वैल्यू तो ये 6 है इसका हाफ हो जाएगा तो 6/2 इज इक्वल टू 3। L1 कितना दिया हमारे पास, L1 की वैल्यू 6 है, मीटर ले लेंगे, ओके। चलिए तो अभी हमें कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस ऑफ 6 a1 इनटू x1 डिवाइडेड बाय L1 कितना है, माइनस ऑफ 6 इनटू a1 की वैल्यू 216 इनटू x1 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 6, 6 से 6 कट जाएगा, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 648 आ रहा है, L1 माइनस ऑफ 648 कितना आ रहा है, ओके सॉरी L1 नहीं, ये पूरी वैल्यू, ओके, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो है वो माइनस ऑफ 681 आ रहा है। अब ऐसे ही हम लोग सेकंड के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, A2 का क्या हो जाएगा वैल्यू, A2 इज इक्वल टू 1/2 लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ कितना है 6 और विड्थ जो हाइट जो है वो 2 3 6 4
4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 5 3 जा 15 और 1 16 162 आ गया। और x2 क्या हो जाएगा, इसे 3 हो जाएगा। l2 कितना है, 20 इंच दिया है, मीटर होएगा। तो माइनस ऑफ 6 a2 x2 डिवाइडेड बाय l2 कैलकुलेट करेंगे, माइनस ऑफ 6 इनटू a2 की वैल्यू कितनी है 162, x2 कितना है 3 डिवाइडेड बाय l2 6 है, 6 से 6 कैंसिल कर लीजिए, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 का एक कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1, 4 माइनस ऑफ 6 84 आ रहा है, 86 आ रहा है। अब जो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जैसे मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, इसको जो हम लोग यहां से रफ कर देते हैं और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं वैल्यू कितना आ रहा है और यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला जो है माइनस ऑफ 6 48 आ रहा है और माइनस ऑफ 4 86 आ रहा है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 और 6 कितना होगा, 14 का 4 कैरी 1, 8 और 4 12, 12 और 13 का 3 कैरी 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11। अभी हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1134 डिवाइडेड बाय 24। यदि आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट कीजिए, मैं डायरेक्टली इसके अंदर से वैल्यू लिख देता हूँ। तो हमें जो है आंसर हमें मिलता है मोमेंट एट ए की वैल्यू, मोमेंट एट ए जो है एमबी की जो वैल्यू है हमारे पास कैलकुलेट जैसे करेंगे, एम बी की वैल्यू हमको मिलती है माइनस ऑफ 47.25। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमको कितना मिलता है, ठीक है। अब ये हमारे पास एम बी आ गया, हमारे पास ये एम बी जो है वो आ चुका है। अब क्या करना है, अब इसका हमें जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देना है। ये एम बी आपको मिल गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आ रही है माइनस में आएगी, क्योंकि ये दोनों साइन जो है माइनस का है तो माइनस की वैल्यू आएगी। इसको जो है हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ रहा है 47, 54 से कम है, यहाँ पे आएगा कम से कम। इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है और ऐसे मिला देना, तो यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट बन गया, ये आपका नेगेटिव बनेगा, ये जो है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बनेगा और दूसरा जो है वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बनेगा। ये जो है आपका नेगेटिव आ रहा है और ये जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे कैलकुलेट करना है। आइए फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने पूरा प्रोसीजर किया हुआ है। तो आपके पास टू स्पान बीम दिया था, एक है ए बी और सी, एक स्पान ए बी था, दूसरा स्पान बी सी है। सबसे पहले हमने जो है इसको सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए हैं हम लोग। ए बी का जो है वो 54 जितना आ रहा है, मतलब यूडीएल है, तो डब्ल्यू एस पर अपॉन वेट लगाया है, इसे कैलकुलेट किया तो 54 किलोमीटर इंटू मीटर आया है। पॉइंट लोड जो है, पॉइंट लोड जो है उसमें उसका जो फॉर्मूला हमने लगाया है तो डब्ल्यू एल बाई 4 आता है, इसे हमने कैलकुलेट किया तो 54 किलोमीटर मिला। सेम टू सेम दोनों कैलकुलेशन करने के बाद हमने यहाँ पे अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है। यूडीएल लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है वो आपका पैराबोला बनेगा, पॉइंट लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो आपका ट्राइंगल बनेगा। उसके बाद हमने इन दोनों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की एरिया कैलकुलेट की और हमने कैपेरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाया। तो जैसे हमने कैपेरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाया, हमें ये भी पता है कि मोमेंट एट ए, ए पॉइंट पे जो मोमेंट है वो क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है। और मोमेंट एट सी, सी पॉइंट पे भी मोमेंट जीरो है क्योंकि यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट है, बट इंटरनल जो सपोर्ट्स हैं वो एज ए फिक्स सपोर्ट हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो बी मोमेंट पर, बी सपोर्ट पर हमें मोमेंट जनरेट होगा, तो मोमेंट एट बी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, एम ए की वैल्यू जीरो आ गई, एम सी की वैल्यू जीरो आ गई। और आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको मैंने पूरा कैलकुलेशन करके बताया कैसे, तो 6a1 x1 अपॉन l1, 6a2 x2 अपॉन l2, इस तरीके से मैंने आपको जो कैलकुलेट किया यहाँ से, इसके बाद हमने वैल्यू पुट की तो mb की वैल्यू मिल गई। इसके बाद आपको इस पर इस डायग्राम के अंदर mb की वैल्यू मोमेंट एट b, ये जो है b मोमेंट पे कितना आ रहा है,
47.25 कितना वैल्यू आ रहा है। ये हो गया आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैं जो है आपके यहाँ पे रफ करता हूँ, ठीक है। चलिए तो हम जो है अभी डिस्कस करेंगे शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम जो है हम लोग आने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप सेइंग।